मुरैना में चल रहे 3 दिवसीय किसान मेले में 10 करोड़ रुपए कीमत वाला एक भैंसा भी आया है। 1500 किलो वजनी इस भैंसे को हरियाणा के किसान नवीन सिंह लेकर आए हैं। मेले में आने वाले लोग इस मजबूत कदकाठी के भैंसे को देखते ही रह जाते हैं। इस भैंसे का नाम गोलू 2 है। भैंसे गोलू 2 की डाइट पर हर दिन करीब 10,000 रुपये खर्च होते हैं। उसके डाइट में चारे के अलावा 20 लीटर दूध, आधा किलो देसी घी, आधा लीटर सरसों का तेल और मौसमी फल शामिल है। उसे रात में हाजमे की गोली भी दी जाती है। भैंसे की सुरक्षा में 12 लोग तैनात रहते हैं। ये सभी बंदूकधारी हैं। मुरैना पुलिस ने भैंसे की सुरक्षा के लिए 3 आरक्षक दिए हैं। वैसे मेले की सुरक्षा के लिए अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, लेकिन 3 पुलिसकर्मियों को सिर्फ भैंसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। गोलू 2 यानी 2 ये भैंसे के नहाने के लिए नवीन के अपने खेत पर 2500 वर्ग फिट में स्पेशल पूल बनवा रखा है। 50x50 के इस स्पेशल पुल में गोलू हर दिन दोपहर में 1.5 से 2 घंटे नहाता है। देश में लगने वाले सभी पशु और किसान मेले में नवीन इसे लेकर जाते रहते हैं। नवीन का कहना है कि पिछले दिनों चित्रकूट में आयोजित पशु मेले में एक व्यापारी ने गोलू 2 को 10 करोड़ रुपए में खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन मुझे इसे नहीं बेचना है, मैंने इसे बचपन से पाला है। मुर्रा नस्ल के इस भैंसे की उम्र 4.5 साल हो चुकी है। भैंसे की खासियत बताते हुए नवीन ने कहा कि मार्केट में इसके सीमन की बहुत डिमांड है। एक बार में इसका सीमन निकालने पर 1500 से लेकर 2000 यूनिट सीमन तैयार होता है। प्रति यूनिट 300 रुपये में बिकती है। घर से ही सारा सीमन बिक जाता है। इससे हर महीने की करीब 12 लाख रुपये की कमाई हो जाती है। 3 लाख रुपए महीना इसके खाने पीने का खर्च घटा दूँ तो भी 9 लाख रुपए महीने की आमदनी होती है। अभी 12 साल यह और कमा कर देगा। नवीन के मुताबिक गोलू 2 की माँ दिन में 36 लीटर तक दूध देती है। गोलू 2 से पैदा हुई संतान भी शुरुआत में 15 से 20 लीटर दूध देगी और बढ़ते बढ़ते यह 30 लीटर तक जाती है। तो क्या बोलते हैं, नस्ल कौन सी इसकी? इसकी प्योर मुर्रा ब्रीड है। मुर्रा ब्रीड है। इसकी उम्र कितनी है भैंसे की? 4.5 साल। 4.5 साल। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।